दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देते हुए एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री की कमान संभाली और महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराई, जिससे उद्धव ठाकरे को निराशा हाथ लगी, तो अब वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की जनता का पूर्ण समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल मूड ऑफ द नेशन के सर्वे में महाराष्ट्र के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उनमें बीजेपी शिंदे अजित पवार गुट पर महाविकास आघाड़ी भारी पड़ती नजर आ रही है। मूड ऑफ द नेशन के सर्वे में विपक्षी गठबंधन को 48 में से 26 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रहा है। बीजेपी गठबंधन को जहां 40.5% वोट शेयर मिलता दिख रहा है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 44.5% वोट शेयर मिलता नजर आ रहा है। सर्वे के मुताबिक अगर आज की तारीख में बीजेपी शिवसेना एकनाथ शिंदे और NCP अजित पवार गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ता है, तो उन्हें 40.5% वोट शेयर मिल पाएगा। महाराष्ट्र की 48 सदस्यीय लोकसभा में बीजेपी को 22 सीटें, कांग्रेस को 12 सीटें, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और NCP शरद पवार को 14 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे और NCP अजित पवार गुट को 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी इस तरह से देखें तो एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ आने से भी बीजेपी को कोई खास फायदा मिलता नहीं दिख रहा है। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को 40.5%, कांग्रेस के महाविकास आघाड़ी गठबंधन को 44.5%, जबकि अन्य को 15% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें, शिवसेना UBT के नेता संजय राउत ने इस सर्वे पर कहा कि महाविकास आघाड़ी मिलकर 48 में से 35 सीटें जीतने जा रही हैं। हम प्रकाश अम्बेडकर के साथ चुनाव लड़ेंगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे और 30 से 35 सीटें जीतेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 23 और शिवसेना ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी को 28% और शिवसेना को 23% वोट मिले थे। कुल मिलाकर NDA 51% वोट के साथ यहां की 41 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि शिवसेना में टूट पड़ने के बाद 12 सीटें शिंदे गुट और 6 सीटें उद्धव ठाकरे गुट के पास हैं।